क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के ये। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पोटैटो के और चाम्प्स के कितने अच्छे पकौड़े बने हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब, बहुत ही मज़े की बनते हैं। तो इफ्तार में आप बनाएं अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये चाम्प्स जो हमने बॉईल करने के लिए रखे थे, पानी में अदरक लहसुन और थोड़ा सा मैंने सिनमन का पीस डाल दिया था, तो ये गल गए हैं अच्छी तरह से, ये टेंडर है। और इसको हम साइड में करते हैं। ये मेरे पास है इसकी यखनी, जो जो हमने की है ना चाम्प्स, तो उसकी यखनी मैंने ना स्टॉक सेव किया थोड़ा सा। हुआ है इनको हमने चाम्प्स के ऊपर कोटेड करना है और फ्राई। देखें इधर ऑयल कढ़ाही में डाल के, तो हमने कढ़ाही ऊपर रख दी है गैस पे। इधर हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। ये मैं आपको दिखाऊं को हमें क्या चीज़ें चाहिए होएगी। ये देखें इधर, ये मेरे पास वो मिक्स, बैटर मिक्स जो मैंने किया वो है। ये मेरे पास ब्लैक सेसमी सीड है। ये चाम्प्स गले हुए हैं, आपको ये मैं इसलिए नहीं तोड़ रही ताकि ना इसकी शेप ऐसे डिस्टर्ब होगी। और ये हमने फ्राई करके इसमें निकालना है। अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा और लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करके तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है फ्राई के लिए। थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के चेक करें कि हमारा ऑयल गर्म है, अभी नहीं, ऑयल अभी ठंडा है। देखिए चाप ली, उसको मैंने ना इसमें बैटर में डिप किया और थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऊपर सेसमी सीड डाला हाथ से। ऐसे करके ये वाला ही हमने ना प्रोसेसिंग सब चाप्स को करना है। बहुत ज़्यादा हमने सेसमी सीड नहीं लगानी, लेकिन लगानी है हमने थोड़े से सेसमी सीड, ताकि इसका टेस्ट जो है ना बैटर निकले। ऐसे थोड़े थोड़े से मैं ऊपर सेसमी सीड कोटेड कर रही हूँ। देखते हैं हमारे चाम्प्स कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। मीडियम हीट मैंने कर दी हुई है, ज़्यादा मेरी हीट है ना कढ़ाई में ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए हमने इसको चाम्प्स को क्रिस्पी सा बनाना है, इसलिए मैंने मीडियम हीट पे रखा हुआ है। तो इस तरह करके हमने ये चाम्प्स को फ्राई करना है। चाम्प्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन जैसे हो गए हैं फ्राई। अभी तो कितना अच्छा, इसको हमने काफ़ी ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना है ऊपर से।
देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के हमारी ये चाप फ्राई हो गए। अब हमने इसके अंदर चाप निकालते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत भी हो ना ऑयल इनके अंदर वो निकल जाए। ये ब्लैक सेसमी सीड मैंने इसलिए डाले हैं कि इनका जायका और अफादियत और भी गुड होती है, तो ना सारे तरह के वाइट भी होते हैं ब्राउन भी होते हैं, ये मैंने ब्लैक सेसमी सीड इसमें यूज़ की है। देखें जो ज़रा ज़रा सा भी ऑयल था ना वो निकल रहा है, तो इसलिए हमारे चांप से सारे फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास जो बैटर बचा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने एक और उससे बना लेनी है डिश, ये जो ना अफ्तार के लिए हमारे पास थोड़ी सी वैरायटी रहेगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ उस बैटर को अब मैं और किधर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, चांप से हमारे बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बड़े ही मज़े के फ्राई हो। हाँ देखें, अभी वो जो बैटर था उसके अंदर मैंने सेसमी सीड डाल के तो पोटैटो स्लाइस काट के डाल लिए हैं, तो ना अब मैंने ये पोटैटो स्लाइस को मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए अब हमने पोटैटो के स्कैलप बना लेने हैं, ये हमारे पास वेजिटेरियन की वैरायटी भी हो जाएगी। ये देखिए अभी हमारे स्कैलप पोटैटो के वो भी रेडी हो रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं, क्रिस्पी बहुत टेस्टी बहुत मज़े के। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पोटैटो के और चांप्स के कितने अच्छे पकौड़े बने हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बहुत लाजवाब बहुत ही मज़े की बनते हैं, तो इफ्तार में आप बनाएं अपनी फैमिली के लिए, उनको नई नई चीज़ें ऐसे ट्राई कराएं और कुछ करें। और देखें मैं आपको ये ना दिखाती हूँ अभी काट के भी, ये देखिए ये पोटैटो के हैं कितने क्रिस्पी और कितने देखें मज़े के गर्मा गर्म पकौड़े। तो चांप भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा काट के, ये देखिए सेसमी सीड वाली कितनी मज़े की और कितना देखिए मीट देखिए कितना टेंडर है अंदर से, देखिए कितना सॉफ्ट कितनी मज़े की, ये रोज़ा अफ्तार करके खाएं बनाएं बहुत ही मज़ा आएगा, सारे बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे आप चांप्स और पोटैटो के पकौड़े ट्राई करें। ठीक है अपना।